सब्सक्राइब करने के लिए आप मेन स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये टोटली फ्री है, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम गर्ग हियर, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही जायकेदार और बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो आप सिर्फ 10 मिनट में या 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और घर में मौजूद सामान से ही इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बच्चों की पार्टीज में, अपनी पार्टीज में भी आप इसे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग बोल में आधा कप बहुत ही बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है। इसके बाद हमने इसमें आधी कप बहुत ही बारीक किसी हुई गाजर ली है। गाजर का पूरा पानी आप अच्छे से दबाकर निकाल लें। इसके बाद हमने 2 टेबलस्पून बहुत ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है। सब्जियों को बहुत बारीक काटें। 1/4 कप बहुत बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। साथ ही हमने आधा कप बहुत ही गाढ़ा दही लिया है, जिसे हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया था। ये ज्यादा खट्टा दही नहीं है। साथ ही हमने 1/4 कप बहुत ही अच्छे से फेंटी हुई मलाई ली है। अगर ये नहीं हो तो एक अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। 1/4 कप बहुत बारीक किसा हुआ चीज लिया है, लगभग ये 1 चीज क्यूब के बराबर है। नमक अब अपने स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ मैंने 1 चम्मच और उसके बाद 1/4 टीस्पून नमक डाला है। साथ ही 1/2 टीस्पून पाउडर शुगर आप इसमें डालें और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप करें। 1 टीस्पून टमाटो सॉस डालें, ये टेस्ट को बहुत अच्छा बना देता है। साथ ही 1 टेबलस्पून बहुत ही बारीक कटी हुई आप इसमें कोथमीर लें और इन्हें अच्छे से मिला लें, क्योंकि हमें इसमें बहुत थिक पेस्ट चाहिए। इसमें पानी का अमाउंट हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से इसका थिक पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए, जिसे हम आगे ढक कर अलग रख देते हैं। अब फ्रेंड्स, हम हमारी ब्रेड स्लाइसेस तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक ब्रेड स्लाइस ली है और इसे हमें सर्कुलर बनाना है। इसलिए आप कोई भी कंटेनर अपने घर का यूज कर सकते हैं जिसकी एजेस बहुत शार्प हो और उससे आप इसके अंदर सर्कुलर शेप की डिस्क बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जो बची हुई ब्रेड स्लाइस की बाहर की कवरिंग है, तो उसे आप आगे ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज कर सकते हैं। बची हुई हमें सर्कुलर डिस्क मिल जाएगी। यहाँ मैंने 8 ऐसी सर्कुलर डिस्क ब्रेड की बनाकर तैयार रखी है। तो अब जो बची हुई हमारी ब्रेड के बाहर का हिस्सा था, उसे हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे और इसे बहुत महीन पीसेंगे ताकि हमें ब्रेड क्रम्स मिल जाए, जो हम आगे हमारी डिस्क को कोट करने में यूज करेंगे। यहाँ हमें 1 कप ब्रेड क्रम्स का चाहिए। इन्हें एकदम महीन पीसे, इस तरीके का टेक्सचर इनका होना चाहिए। अब ब्रेड आपस में जुड़ी रहे, उसके लिए हम एक लिक्विड बना लेंगे, जिसके लिए हमने एक बोल में आधा कप मैदा लिया है, 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1/8 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर डाला है। काली मिर्ची का पाउडर इसे अच्छा स्वाद देता है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और 3/4 कप पानी के साथ हमें इसका लिक्विड बनाना है। तो आप पानी को धीरे धीरे थोड़ा सा एट अ टाइम डालें, क्योंकि एक साथ अगर खूब सारा पानी लेंगे तो इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी, जो आसानी से मिटेंगी नहीं। तो हमने थोड़ा पानी डाला है और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि लिक्विड अच्छे से मिल जाए। अब इसमें बचा हुआ पानी डालकर हम अच्छे से लिक्विड को तैयार कर लेंगे, इसे अलग रखेंगे। अब देखिए हम इसको असेंबल करते हैं, जिसके लिए हमने एक सर्कुलर ब्रेड की स्लाइस ली है और उसके ऊपर हमने हमारा जो मिश्रण तैयार किया था उसे हम डालेंगे। थोड़ा मिश्रण ले, ना तो ज्यादा बाहर आए और ना ही कम रहे। इसके ऊपर एक दूसरी ब्रेड स्लाइस डालकर हमने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है। प्रेस करेंगे तो ये आपस में अच्छे से बाइंड रहेगी। अब इसको पूरी तरीके से तैयार कर हमने जो मैदा का लिक्विड बनाया था उसके अंदर इसे डिप करेंगे। इसके बाद इसे ज्यादा देर के लिए नहीं रखें, नहीं तो आपकी ब्रेड टूट जाएगी। और इसे अब बिल्कुल आप क्रम्स के अंदर कोट कर दें। कोट करने के बाद इसकी वर्टिकल एजेस जो है, इसके किनारे हैं, उस पर भी इसे अच्छे से रोल कर लें। चाहे तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर प्रेस कर दें। देखिए इस तरीके से हमारी ये डिस्क बनकर तैयार है। इसी तरीके से कुछ हम 4 और डिस्क प्रिपेयर कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 डिस्क बनकर तैयार है। इसे हम आगे के प्रोसेस में डीप फ्राई या शैलो फ्राई करेंगे। चूंकि मुझे कम तेल का यूज करना है तो मैं इसे शैलो फ्राई करूंगी। यहाँ पे मैंने एक फ्लेम एक हीट किया है एक पैन को हाई फ्लेम पर और उसे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल इसके अंदर डाला है। इसे अच्छे से रोटेट कर लिया है ताकि नीचे की सरफेस पे पूरी तरीके से ऑयल लग जाए। और जब एक बार ये गर्म हो जाए तो फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी और इसके अंदर लगभग 1/2 टीस्पून राई के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड्स मैंने डाले हैं। ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और इन्हें डालने के बाद जब इनमें से स्प्लिटर होने लग जाए, तड़कने लग जाए, तो हम इसके ऊपर हमारी डिस्क को रख देंगे। ध्यान रखिए, राई को पूरी तरीके से तड़कने दें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। चारों ही स्लाइसेस को हमने एक पैन में इस तरीके से रख दिया है और 3 से 4 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। जब तक एक तरफ से ये नहीं सीखे, इसे ना पलटे, क्योंकि ये टूट जाएंगे। तो एक तरफ से जब ये पूरी तरीके से 3 से 4 मिनट के बाद सेक चुके हैं तो हम इन्हें पलट देंगे। देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब 3 से 4 मिनट इन्हें दूसरी तरफ से भी हम सेकेंगे। तो इस तरीके से सेकने के बाद आप इन्हें जो इनके किनारे हैं उससे भी पलट पलट से एक चिमटे की सहायता से अच्छे से सेक लें। तो देखिए इसकी वर्टिकल एजेस पे भी हमने इसे पूरी तरीके से अच्छे से सेक लिया है।
तो ये बहुत ही जल्दी प्रिपेयर होने वाला एक बहुत ही आसान नाश्ता है जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें भीने भीने दही का स्वाद भी आता है। तो देखिए इस तरीके से हमारे सारे ब्रेड डिस्क बनकर तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से आप देखिए ये पूरी तरीके से सिक भी चुके हैं, 8 से 9 मिनट के अंदर सिकने पर ये पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स सेक्शन में देना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।